इस वीडियो में हम जानेंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो पहले यमक अलंकार को याद करने के लिए एक छोटी सी परिभाषा होती है, जिसे आप लोग देख लीजिए कि वह परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए कि जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार के कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि जैसे पहला एग्जाम्पल है कि तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। पहला एग्जाम्पल है कि तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। किसी लड़की के बारे में कहा गया है कि वह पहले तीन बेर खाती थी, यानी तीन समय को बताया गया है। दूसरा तीन फल को इंगित किया गया है कि पहले वह तीन बेर खाती थी, मतलब कोई भी चीज वह तीन बार खाती थी और अब वह जो है तीन फल खाती है। तो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कनक कनक ते सौ गुनी माँ तगता अधिकाय या पाए बैराय जग या खाए बैराय। कि कनक कनक ते सौ गुनी माँ दगता अधिकाय या पाए बैराय जग या खाए बैराय। पहले कनक का अर्थ सोना बताया गया है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा बताया गया है। कहा गया है कि कनक कनक ते सौ गुनी माँ दगता अधिकाय कि अगर कोई सोना पा जाता है तो वह अपने आप में कहता है कि महान हो गया हूँ और वह अपने आप को बहुत सुखी समझने लगता है, क्योंकि सोने में बहुत सारे गुण होते हैं और वह सोने को अपना लेता है। दूसरा कनक का अर्थ बताया गया है कि धतूरा है। अगर कोई व्यक्ति धतूरे का सेवन करता है तो वह भी अपने आप में परम सुख के लिए हो जाता है और उस धतूरे को ही अपना सब कुछ समझता है। इसलिए कहा गया है कि कनक कनक ते सौ गुनी माँ दगता अधिकाय या पाए बैराय जग या खाए बैराय। तीसरा एग्जाम्पल है कि जेते तुम तारे तेते तो नभवे भी न तारे। यहाँ पे तारे सब दो बार आया है तथा दोनों बार तारे का अर्थ अलग अलग है। पहले तारे का अर्थ उद्धार करना है तथा दूसरे तारे का अर्थ तारे हैं या नक्षत्र हैं जो कि आकाश में हैं। तो जेते तुम तारे तेते तो नभने भी न तारे। कहा गया है जितना आपने उद्धार या परोपकार किया है उतना तो आकाश में तारे या नक्षत्र भी नहीं है। कि जेते तुम तारे तेते तो नभने भी न तारे, यानी कि जितना आपने उद्धार या परोपकार किया है उतना तो आकाश में तारे या नक्षत्र भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल है कि हरि हरि रूप दियो नारद को। कहा गया है कि हरि हरि रूप दियो नारद को। यहाँ पे हरि शब्द दो बार आया है तथा दोनों हरि का अर्थ अलग अलग है। पहले हरि का अर्थ भगवान विष्णु को तथा दूसरे हरि का अर्थ बंदर को बताया गया है। कि हरि हरि रूप दियो नारद को कि भगवान विष्णु जो हैं वो हरि का रूप यानी बंदर का रूप दिए हैं नारद जी को। अगला एग्जाम्पल है कि सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे जो सजना शब्द आया है वह सजना शब्द दो बार आया है तथा दोनों सजने का अर्थ अलग अलग है। पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना बताया गया है तथा दूसरे सजना का अर्थ पति को बताया गया है। कि एक लड़की है जो कि कहती है कि सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि उसे श्रृंगार करना है और अपने पति के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए यानी कि उसे श्रृंगार करना है और अपने पति के लिए। अगला एग्जाम्पल भी कुछ इस प्रकार है कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है तथा दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ बादलों का समूह है तथा दूसरे घटा का अर्थ कम हो जाना है। कि काली घटा का घमंड घटा कि जो बादलों का समूह है
उनका घमंड घट चुका है। अगला एग्जाम्पल भी कुछ इसी प्रकार है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचक अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ पर जो अनंत शब्द है वह अनंत शब्द चार बार आया है तथा हर बार अनंत का अर्थ अलग अलग है। पहले अनंत का अर्थ असीम है तथा दूसरे बार जो अनंत शब्द आया है उसका अर्थ गिनती नहीं की जा सकती यानी कि असंख्य है, और तीसरे बार जो अनंत आया है उसका अर्थ बहुत सारे है, तथा जो चौथे बार अनंत आया है उसका अर्थ है कि परमात्मा। यहाँ पर अनंत शब्द चार बार आया है तथा हर बार अनंत का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार होगा। अगला भी एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। यहाँ पर पीर शब्द है वह चार बार आया है तथा हर बार पीर का अर्थ अलग अलग है। कि कबीरा सोई पीर है कि वही साधु है, पहले पीर का अर्थ कि साधु तथा दूसरे पीर का अर्थ बताया गया है कि पीड़ा है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए यानी कि दर्द, सो काफिर बेपीर, वह परमात्मा नहीं हो सकता। कि कबीरा सोई पीर है कि वही व्यक्ति साधु है, जो जाने पर पीर, जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है, जो पर पीर न जानिए, जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा या दर्द को नहीं समझ सकता, सो काफिर बेपीर, वह ना तो परमात्मा और ना ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। अगला एग्जाम्पल भी कुछ इस प्रकार है कि मूरत मधुर मनोहर देखी, भय हूँ विदेह विदेह विशेषी। यहाँ पर विदेह विदेह शब्द दो बार आया है तथा हर बार विदेह विदेह का अर्थ अलग अलग है। पहले विदेह का अर्थ मन का शुद्ध रहित होना है तथा दूसरे विदेह का अर्थ महाराज जनक को दिया गया है। अगला एग्जाम्पल कि नगन जड़ाती तेवे, नगन जड़ाती है कि नगन जड़ाती तेवे, नगन जड़ाती है। कहा गया है कि जहाँ पर मतलब कि यहाँ पे नगन शब्द है दो बार आया है तथा दोनों बार नगन का अर्थ अलग अलग है। पहले नगन का अर्थ आभूषण है यानी कि आभूषण है, सोना चांदी है, तथा दूसरे नगन का अर्थ यानी कि नग्न है। नगन जड़ाती तेवे यानी कि आभूषण या गहने बनवाती तेवे, नग्न जड़ाती है यानी कि बिन वस्त्र की वजह से, नग्न अवस्था होने की वजह से अब वह जड़ा रही है यानी कि सर्दी की वजह से कांप रही है। अगला एग्जाम्पल कि जगत जगत की मूक प्यास, कि केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगत जगत की मूक प्यास। यहाँ पर जगत जगत शब्द दो बार आया है तथा दोनों बार जगत जगत का अर्थ अलग अलग है। पहले जगत का अर्थ है जगाना तथा दूसरे जगत का अर्थ सृष्टि को। अगला एग्जाम्पल कि धीरज सांस न ले यही दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो काबूल। यहाँ पर दई दई शब्द दो बार आया है तथा दोनों बार दई दई का अर्थ अलग अलग है। पहले बार दई दई का अर्थ है कि और दे तथा दूसरी बार दई दई का अर्थ है कि ईश्वर, ईश्वर ने जो दिया है। कि धीरज सांस न ले यही दुख, ज़्यादा दुख में भी भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए, कि अगर व्यक्ति को ज़्यादा दुख है तभी वह भगवान का स्मरण करे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। असुख साई न भूल, अगर व्यक्ति के अंदर सुख आ जाए तो सुख में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, कि सुख के दिन आ गए तो वह भगवान यानी कि परमात्मा को भूल जाए। अधीरथ सांस न ले यह दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करत हुए, कि ईश्वर से तुम क्यों कहते हो कि और दे, दई दई सो काबूल। जितना भगवान ने परमात्मा में दिया है उतना ही काबूल करो।
कि दई दई क्यों करत हुए, दई दई सो काबूल, यानी कि और दे तुम क्यों कह रहे हो, जितना भगवान ने यानी कि परमात्मा ने दिया है उतना ही तुम कबूल करो। तो यमक अलंकार के जो एग्जाम्पल थे वह मैं बता चुका हूँ।